क्या हम कभी भी चीन पर विश्वास कर सकते हैं? जिंदगी में दोस्त तो बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी कभी नहीं बदलते। क्या हमारी जमीन का कोई हिस्सा गया है चीन को? ऐसा मैं नहीं मानता। हाँ, लेकिन इतना मैं विश्वास देशवासियों को दिलाना चाहता हूँ कि मोदी जी की नेतृत्व की गवर्नमेंट के रहते हुए एक इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता और एक इंच भी जमीन अपनी जाने नहीं देंगे। पीओके की बात, पीओके हमारा था, है और पीओके हमारा रहेगा। आपने भी कहा कि हम घुसकर मारेंगे, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं। मैं पाकिस्तान से यही अपेक्षा करता हूं कि आतंकवाद का सहारा लेकर यदि वह भारत को डिस्टर्बलाइज करने की, अस्थिर करने की कोशिश करेंगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आतंकवाद पर काबू पाए पाकिस्तान, यदि पाकिस्तान को लगता है कि वह आतंकवाद पर काबू पाने में असमर्थ हैं, नहीं कर सकते हैं, तो पड़ोसी देश भारत है, उसका भी सहयोग प्राप्त करना चाहते हो तो भारत का सहयोग प्राप्त करें। आतंकवाद को रोकने के लिए भारत सहयोग करने को तैयार है। देश में हेल्दी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इसके लिए कुछ ना कुछ प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने वाले लोग भी तो होने चाहिए ना। लेकिन होंगे कहां से? आप सबको तो जेल में डाल रहे हैं, कह रहे हैं। कहां जेल में डाल रहे हैं हम? अरविंद केजरीवाल जी जेल में बैठे, हमारे कारण वह जेल चले गए, तो कोर्ट से उनको रिलीफ क्यों नहीं मिल जाती है? कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है वो कहते हैं जब तक परिवार है तब तक कांग्रेस है, बिना परिवार के कांग्रेस नहीं हो सकती। तो परिवार ही तो कांग्रेस चला रहा है, इसलिए कांग्रेस की हालत ये हो रही है। आपकी पार्टी को कितने और इलेक्शन में मोदी जी के नाम पर? मोदी जी जा रहे हैं, काहे चिंता कर रहे हैं, रहेंगे, ये तो तीसरा टर्म है, चौथे टर्म में भी रहेंगे। तो मोदी 1, मोदी 2, मोदी 3, मोदी 4, मोदी 5, कोई हर्ज नहीं, जब तक सामर्थ्य है तब तक रहेंगे। कुछ लोग अभी भी जानते नहीं है कि क्या हुआ था और वो है इमरजेंसी का किस्सा। जिन लोगों ने तानाशाही इम्पोज की इमरजेंसी के माध्यम से, वो लोग हम लोगों पर तानाशाह होने का आरोप लगाते हैं। आपको जेल में क्यों डाला गया था उस वक्त? इमरजेंसी को लेकर लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करते थे कि किस प्रकार से ये इमरजेंसी घातक है। आपकी माँ का निधन हुआ, ब्रेन हेमरेज हो गया था, तो 27 दिन हॉस्पिटल में रही, डेथ हो गई, लेकिन मैं आ नहीं सका उसमें, मेरी रिहाई नहीं हुई, मुझे पेरोल भी नहीं दिया गया क्रियाकर्म के लिए। आपको बिल्कुल पेरोल नहीं दिया गया। वो लोग हम लोगों के ऊपर तानाशाही का आरोप लगाते हैं, कल्पना करिए। आप मिल नहीं सके? 27 दिन तक हॉस्पिटल में थी ब्रेन हेमरेज होने के बाद, माता आनंद भाई हॉस्पिटल वाराणसी में, फिर भी नहीं दिया।